तो अभी अब मैं छत पे आ चुका हूँ, अभी तो आप कुआं सा देख सकते हो पीछे, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा कुआं सा बिल्कुल। और आज हम लोग स्कूल है, तो मुझे स्कूल जाना है, और स्कूल में आज हाफ डे है, फुल डे नहीं है, आज हाफ डे है, सिर्फ 4 पीरियड चलेंगे फिर आ जाना है। और इधर हो क्या रहा है, इधर हो रहा है टंकी में सफाई चल रही है, मोटर बंद कर दें। तो अभी हुआ क्या था कि टंकी में जैसे पूरा, मतलब अब कई दिनों से साफ है, साफ़ सफाई नहीं की थी टंकी में, तो उसकी वजह से पूरा पाइप जाम वगैरह होता था, तो पाइप धीरे धीरे पानी धीरे धीरे आ रहा था गंदा होने की वजह से, तो उसकी वजह से टंकी साफ़ करना ज़रूरी था। भाई डैडी अभी टंकी साफ़ कर रहे थे, अब मैं रहा था तो मुझे साफ़ करना पड़ता, अभी डैडी कर रहे इतने ठंडी में, अब क्या करना छोड़ो। तो अभी मैं आया हूँ, अब लूँगा अपना प्रोटीन शेक, और प्रोटीन शेक लेने के बाद पानी रखेंगे गर्म करने को, अभी टंकी साफ हो जाए तब तो नहाने का कुछ व्यवस्था देखेंगे। तो अभी बस वही प्लान है, और क्या, और नीचे चलते हैं, और नीचे चल के बात करते हैं या फिर तैयार यार होंगे। बैक फ्रॉम द स्कूल, मतलब स्कूल से तो बहुत पहले आ गया था मैं, 12 बजे आ गया क्योंकि आज हाफ डे था। तो स्कूल से आने के बाद से खाना वाना खा के थोड़ा आज मैंने सोया भी बहुत, मतलब नींद आ रही थी मेरे को तो दिन में सोया ही मैं, और सोने होने के बाद अभी उठा मैं, खाना वाना खा लिया मैंने, अब वीडियो एडिटिंग करनी है। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी धूप उग गया था छत पर चलता है, छत पर से थोड़ी वीडियो बना ही लेते हैं, मतलब 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि धूप में थोड़ी वीडियो बनाऊँ, धूप में अभी चल के वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा ब्लॉग था छत पर करके क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो अभी छत पर चलता है, मैंने खाना वाना खाया तो थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और एक बार ब्लॉग भी हो जाएगा, तो चलता है छत पर, वही अपडेट देना था अभी मैंने सोचा, और शाम को अभी देखते हैं, चलो छत पर चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ छत पे, और छत पे वही हुआ फिर से मैंने सेटअप किया है वो बैठने वाला रख के, और मतलब ईटा वगैरह लगा के। तो अभी बताओ क्वालिटी कैसी आ रही है, वैसे तो ISO को मैंने रखा अभी 400 पे, मतलब मेरे हिसाब से तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी, फ़ोन से तो बहुत बेटर आ रही होगी ये तो मुझे पता है। और ये बाहर बाइक वाइक रोड पर आवाज़ वाज तो ये सब अवॉइड करना, अब कितना ही माइक लगाओगे ये सब तो आवाज़ आने वाला है ही। तो वही मैं क्वालिटी देखा, तो देखो धूप है और अभी यही, अभी ये क्वालिटी मिल रही है, अभी इसको मैं ISO को थोड़ा और कम करता हूँ, 1 मिनट। ये देखो ऑटो पे मैंने किया ISO को, तो ऑटो पे तो उतना जल्दी ये मैनेज नहीं करेगा, तो ऑटो से बढ़िया इसको मैं, ये 400 पे जो मैंने रखा था 400 पे भी काफ़ी अच्छा अभी क्वालिटी मिल रही होगी, अभी सब कुछ फेस पे लाइट वाइट सब कुछ बराबर अभी। तो यही बात है, यही मुझे चेक करना था, कल से मतलब इंतज़ार कर रहा था मैं इसी चीज़ के लिए, कल तो नहीं कर पाया था बंदर आ गए थे, आज हो गया क्या। हाँ दरवाज़ा बंद कर, हाँ अभी सब कुछ छत पे आया हुआ है, तो भाई कंफर्मेशन कि दरवाज़ा बंद है कि नहीं है घर में का, तो भाई पूछ रहे थे अभी, तो बस ये चेक करना था। अब नीचे जाता हूँ, अब थोड़ा सा टहलूँगा छत पे, और फिर नीचे जाके वीडियो एडिट करना है, चलो। और आज के वीडियो क्वालिटी में और जिस पहला दिन आया था उस दिन के वीडियो क्वालिटी में काफ़ी अंतर हुआ। एक तो पहला अंतर है कि उस दिन मैंने 1080p में शूट किया था, लेकिन वो मेरे लैपटॉप में सपोर्ट हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी एडिटिंग के समय। तो अभी मैं 720p में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि फ़ोन में अगर मैं 720p करता तो भी उतना, मतलब अब फ़ोन और DSLR में मतलब तो बहुत अंतर होगा, ये तो कन्फर्म है, क्वालिटी के वाइज बहुत अंतर, और क्लैरिफिकेशन के वाइज भी बहुत अंतर होगा, तो उसके वजह से वो चेंज होगा, और ये भी चेंज होगा थोड़ा फेस पे लाइट वाइट आ रहा होगा। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन सब मैं ऑटो पकड़ के कर रहा था, क्योंकि पहली बार था DSLR में, कुछ सेटिंग वटिंग कुछ मुझे पता नहीं थी। आज देखो, आज सब कुछ बैलेंस है, वाइट बैलेंस है, एक्सपोज़र बैलेंस है, उस दिन मैंने एक्सपोज़र बैलेंस किया ही नहीं था, उस दिन मैं ऐसे ही ऑटो पे शूट कर रहा, मतलब जैसे था वैसे माइक लगाया, बस 60 FPS पे किया, मतलब 50 FPS पे किया और शूट कर रहा, और अभी 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ मैं, मतलब 2 दिन में मैंने सारे चीज़ सीख लिए हैं, धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखेंगे इसमें अलग अलग, क्योंकि हर एक यूट्यूबर का अपना पर्सनल वीडियो कैमरा सेटिंग होता है, मतलब वो अपना हर कोई अपना पर्सनल अपना सीक्रेट सेटिंग्स नहीं बताता है किसी को भी, तो इसीलिए तो वो भी सीखना ज़रूरी है, वो हम भी अपना कुछ पर्सनल सीक्रेट सेटिंग्स बनाएंगे जिस पे हमारी वीडियो बनेगी, तो वो भी जल्दी से जल्दी सीख जाऊंगा, अपना परफेक्ट शूट सेट कर लूँगा। और अभी ऐसे ही डंडे से मैं खेल रहा हूँ, तो बस यही बताना था। तो ब्लॉग करने को, जैसे ब्लॉग करने को तो ये बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, लेकिन ब्लॉग करने कुछ है ही नहीं। शाम को आज मैं सोच रहा हूँ, आज कहीं मेरे दोस्त जाएँ शाम को, अब पता नहीं आज भी जाएँगे कि नहीं जाएँगे, कल तो बोला तो कल तो वो नहीं गए, लेकिन आज शाम को कुछ प्लान है, आज शाम को हम लोग बनाने वाले हैं वो आग के ऊपर लिट्टी बनाएंगे और चोखा, मतलब बिहार का फेमस, SBR बिहारी तो बिहार के फेमस डिश बनाएंगे हम लोग लिट्टी और चोखा, तो उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटमेंट, मतलब ऐसे नॉर्मल लिट्टी तो बहुत खाया है मतलब, लेकिन वो जो लिट्टी होता है ना उस पे आग पे का वो नेक्स्ट लेवल होता है एकदम बिल्कुल, और वो उसके साथ देसी घी जब उसमें एकदम लग जाता है तो और ज़्यादा मस्त हो जाता है, तो वो खाएँगे आज शाम को। तो वो तो फ़िलहाल बात की बात है, उससे पहले अपने दोस्तों से जाऊँगा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने,
हमको थोड़ा बाहर का एक तो ब्लॉक करना ज़रूरी है, कैमरा लिया है तो अभी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अभी नीचे बहुत लेट हो चुका, अब जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने, 6:30 बजे वीडियो अपलोड कर देना है। वीडियो आ गई होगी, जा करके देखो, और देख लिया तो लाइक करो, शेयर करो। और उधर मम्मी अपना सीरियल देख रही है, दिखाता हूँ एक मिनट। हाँ मम्मी क्या कर रहे हो? सीरियल देख रहे। मम्मी का फेवरेट सीरियल अनुपमा स्टार प्लस पे जो आता है, तो वही मम्मी मतलब रोज़ मतलब कुछ भी हो जाए वो छूटना नहीं चाहिए बस। अब जल्दी ट्राईपॉड लेना है ज़रूरी, बिकॉज ये हाथ में उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा, पूरा वाइड नहीं मिल रहा। ऐसे करूँगा तो ऐसे पूरा वाइड मिलेगा, और ऐसे ऐसे मिल रहा है था, पास में हो जा रहा है, इसको अभी वो भी लेंगे जल्दी। अभी हम लोग आए हुए तो कॉफ़ी पीने के लिए, तो अभी मैं चाहता हूँ मेरा फ्रेंड देवानंद, और अभी तो अभी कॉफ़ी पीने में आए हुए थे। कहाँ पे आए हुए थे? मील केज में, और उसके ओनर मैं बताता हूँ, ये है इसका ओनर। तो ये हमारी कॉफ़ी, ये देखने में लग रहा होगा कि मिट्टी का है, लेकिन ये मिट्टी का नहीं है, आर्टिफिशियल है, मतलब मिट्टी का नहीं है, पता नहीं कौन से मटेरियल का, लेकिन मिट्टी का नहीं है, रियल वाला नहीं है। कॉफ़ी वाफी पी के हो गया हमारा, अब हम लोग चलते हैं घर पे, लेट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी आग जलाना शुरू कर दिया गया है, अभी डैडी आग जला रहे हैं, अगर पीछे मैंने पूरा लाइट लगा दिया ताकि लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे फेस पर देख रहे हो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, अभी थोड़ा सा हटूंगा तो और अच्छी लाइट आ रही है, लेकिन बस ये बात है कि देखो बाहर बैठा हुआ इसीलिए मस्त बान ऑन के बैठे हैं, एकदम सिर पे हवा नहीं, जब घर के अंदर तो बनेगा नहीं। और ये भी बढ़ गई यहाँ पे, इससे दो फायदे हम लोग को, ठंडी में तो एक आग सेक सकते हैं, और दूसरा फायदा ये है, देखो कितनी लाइटें जल रही हैं, एक वहाँ पर लाइट जल रहा है, एक पीछे स्ट्रीट लाइट जल रहा है, और एक उधर लाइट जल रहा है, और एक दो सामने लाइट जल रहा है, और इतने लाइटनिंग के बाद। और अगर मैं अभी ISO बढ़ा दूं, अभी तो ये ऑटो पर है तो मैं इसको मैनुअल पर करता हूं, एक मिनट। अभी मैं वापस से मैनुअल पर शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैनुअल पर शूट करने में ये होता है कि ISO वगैरह सब कुछ अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता हूं मैं। तो अभी देखो एक मिनट, अभी देखो कितनी लाइटिंग हो जाएगी। तो अभी देखो लाइटिंग काफ़ी अच्छी हो गई, क्योंकि सब कुछ मैं अपने हाथ से मैनेज कर सकता हूं, और उस ऑटो में रहता है कुछ भी मैं मैनेज नहीं कर सकता, सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। अभी इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है, देखो धुआं, देखो धुआं, देखो आप कितना धुआं हो रहा है। अभी पंखा लेके आओ मस्त। अभी इससे अभी आग भी सेक सकते हैं ठंडी में, और जो बनेगा वो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको, मतलब आज का ब्लॉग पूरा इसी पे होने ही वाला है, बिहारी स्टाइल में लिट्टी और चोखा। अरे अरे आप भी कुछ बोलना चाहेंगे हमको? कुछ बताइए, कुछ बोलिए, कैसे आप सीखे बनाना बताइए ना, बताइए ना। हम शुरू में बनाते थे जब अकेले रहते थे ना, जो गन्ना का जाते थे हम लोग गन्ना ला के फैक्ट्री में, तो वहाँ घर से जाते थे आटा गोइठा और लकड़ी, और ट्राली के नीचे लगा देते, 3-4 दिन लगता था गन्ना गिराने में। तब से सीखे हुए। तो ऐसे डैडी सीखे थे बनाना, अब मम्मी को नहीं आता ये बनाने उतने अच्छे से जितना अच्छे से डैडी को आता। हाँ जी, तो हम ये बता रहे कि अभी डैडी हम लोग के गुस्साए भी हैं, इसीलिए कुछ कह भी नहीं रहे हैं। डैडी गुस्सा इसलिए हुआ कि अभी क्या हुआ था कि कैमरा की बैटरी चार्ज नहीं थी, और कैमरा की बैटरी बिना चार्ज किए बिना लेंस कैप फटाए, डैडी लगा था वीडियो बना रहे शूट कर रहे ऐसे ही, तब बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो डैडी को आदत है गुस्साने का, भी गुस्साएंगे तो हुआ क्या कि अब जब ले लिए डैडी कैमरा, कैमरा लेने के बाद से डैडी लगे शूट करने, अब वो शूट हो ही नहीं रहा था, पूरा ब्लैंक रहेगा, अब उतना डैडी को डीएसएलआर के बारे में पता नहीं है। उसके बाद उसमें बैटरी उसका डिस्चार्ज तो सब चीज़ रुक गया उतने पे ही, कुछ भी फोकस वोकस कुछ भी नहीं ले रहा था, तो उसमें उसी के फिर मैंने ले लिया कैमरा, तो उसकी वजह से डैडी गुस्सा आ गए, तो इसे डैडी ज़्यादा बोल नहीं रहे थे नहीं तो डैडी अभी इसे पूरा पंखा डालना पड़ेगा, पूरा पंखा से इसको हटाना पड़ेगा, इतना धुआं हो रहा है इतना ज़्यादा। डैडी सिर्फ ये रख के चले गए हैं, अब इसका सारा काम हम ही करेंगे, तो इसी को करना पड़ेगा सब काम। अब मैं हाँ मम्मी अभी मम्मी भी आगे बैठेगी यहाँ पर, मतलब अभी आज आपको पूरी फैमिली देखने को मिलेगी, पूरा फैमिली। अब ट्राइपॉड होता तो और अच्छे से मैं इसको रख के ब्लॉक करता, लेकिन चलो इस पर भी दिखेगा सबको। अरे वाह पूरा धुआं हो गया, देखो धुआं दिख रहा, बाप रे। इसके खाने का मज़ा बारिश में आता है और ठंडी में आता है, उसके बाद गर्मी में थोड़ा ही मज़ा नहीं है इसका, बहुत गर्मी होती है, इसको बनाने में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन ठंडी में बहुत मज़ा आता है। इतना कुहासे में बैठा हुआ, मतलब फॉग भी बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा फॉग है बाहर बिल्कुल, मतलब थोड़ा कुछ विजिबिलिटी एकदम मतलब 10 मीटर की भी नहीं है विजिबिलिटी। तभी वो देखो वो स्ट्रीट लाइट वाइट में जलती है, धुएं की वजह से और कुहासे की वजह से पूरा येल्लो हो गया, वो येल्लो लग रहा है। अभी देखो ये रूम की लाइट भी वाइट जलती है, मतलब घर में की लाइट, ये LED बल्ब है, ये वाइट जलती है, वो भी वाइट जलती है, लेकिन देख रहे हो कुहासे वहासे की वजह से वो पूरा पीला हो चुका है, कुहासे और धुआं धुएं की वजह से। अब आग जलना स्टार्ट हो चुका है, ये देखो मेरे आँख में लग रहा है धुआं इतना ज़्यादा है, लेकिन मैं
इतना ज़्यादा मेहनत है इसमें, मतलब देख कब से पंखा डैडी डुलाई रहे कब से ये मतलब पूरे आँख में धुआं लग रहा है, मतलब ओहो पूरे आँख में धुआं लग रहा है, इतना तेज आँख में पानी आ गया। लेकिन ब्लॉग करना ही ज़रूरी, तो ब्लॉग के लिए मैं बैठा रहता हूँ, मैं कभी नहीं बैठता हूँ वैसे, बस यही तीन लोग बनाते हैं अपना, मैं अंदर ही रहता हूँ, लेकिन ब्लॉग के लिए मुझे बैठना पड़ा यहाँ पे। तभी डैडी कुछ एडवाइस देंगे कि इसमें क्या किया जाता है, तो क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या पकाना चाहिए इसमें, क्या क्या आप कर सकते हो, क्रिएटिविटी कैसे इसको और अच्छा कर सकते हो, अभी बताएंगे डैडी। तब तक थोड़ा सुनो, आप बताइए डैडी। इसमें हम आलू, टमाटर और गोभी, बैंगन और लहसुन, मिर्चा सब इसी में पकाएंगे, तब इसका चोखा बनाएंगे। लेकिन बैंगन गैस पर पक चुका है, फोफट हो गया। डैडी तब अपने घर रहते थे, तब डैडी बनाते थे, डैडी का एक्सपीरियंस था ना, सब चीज इसी में डाल देते थे। नहीं वैसे हम भी सुने आलू और इसी में डाल के पकाने से बहुत मस्त होता है, इसका जो टेस्ट मिल जाएगा ना वो किसी चीज में टेस्ट नहीं मिल सकता है, गैस गैस पर नहीं मिलेगा। इसमें का मटर जो होता है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। हाँ, मटर भूज के इसमें जला के पका के मटर खाने में बहुत मजा आता है। मटर आलू, आलू का जो इसके साथ चोखा जो खाया जाता है वो बैगन और जो आलू था उसको इसी में पकाने की सोच रहा था, लेकिन लेकिन इसमें पकाने में फिर टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ मेहनत लगेगा, तो इसलिए मम्मी ने सोचा कि पहले ही टमाटर वो आलू जो भी पकाना है वो सब गैस पर ही पका ली। हाँ तो वही ना डैडी, मम्मी अकेले पका नहीं पाती इसे, इतना मेहनत आग जलाने में इतना मेहनत है, इसीलिए मम्मी ने पहले ही गैस पर पका लिया, लेकिन अगली बार ट्राई करेंगे इसी में पका के, सब कुछ इसी में पकाएंगे ना मस्त। अभी देखो ये लिट्टी पक भी चुका, मतलब एक तरह थोड़ा थोड़ा पक चुका, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, अभी नहीं स्टार्टिंग है ना, वही तो अभी स्टार्ट हुआ, अभी अभी जो मतलब पकना स्टार्ट, इतना गर्म हो जाता है कि पकना स्टार्ट, देखो वहाँ पर रखने लगे लगभग लगभग मतलब पकना स्टार्ट हो चुका है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको पकने में, तो इतना मेहनत और इतना समय सब देना पड़ता है, मतलब आधे घंटा लगा इसको आग लगाने में, मतलब आग तैयार करने में, उसके बाद से इसको रखा गया, अब ये 5-10 से 15 मिनट पकेगा, 10-15 मिनट तो नहीं, 5-10 मिनट पकेगा, और पकने के बाद फिर इसको ढक के रखा जाएगा, उसी आग में ढक के रखा जाएगा, बार बार देख रहा है, तो उसी आग में ढक के इसको रखा जाएगा, फिर ये तैयार होगा। फटने लगता है ना, फूट के फटने लगेगा, मतलब जब ये फटने लगेगा तब मतलब पक गया। हाँ देखो जितने जितने लिट्टी फट चुका वो सब निकाल के डैडी इसमें से निकाल के वापस थाली में रखना, मतलब ये दूसरी बार रखा गया था आग में, देखो जितना लिट्टी फट चुका है वो सब सब निकाल के देखो, धीरे धीरे फट रहा है सारा लिट्टी, देखो पूरा फट चुका है, धीरे धीरे उसको निकाल के रखा जा रहा है उसमें, हाथ अटाई रेडी बोला, देखो सारा लिट्टी वो फट चुका है, तो लिट्टी जब फट जाए तो समझ जाओ पक चुका है, तो ये इसका साइन होता है। अभी इसको कपड़ा में डाल के सारे लिट्टी को पूरा एकदम इसको सेक किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जितना भी इस पे का वो आग का उतना भी वो राख है वो सारा साफ हो जाए, देखो कितना साफ हो चुका लिट्टी, और इतना काला था, देखो कितना काला काला था, अभी देखो मैं दिखाता हूँ फिर से कैसे इसको सारे लिट्टी को इसमें रखा कॉटन कपड़े में, और फिर देखो अभी देखो, दूर कर दिया जाए नहीं तो वापस चला जाएगा, राखी देखो कितना ज़्यादा ज़्यादा राख निकल रहा है इसमें से, पूरा राख है एकदम, इस पर लग रहा है देसी घी, रहा देसी घी पूरा घर में बनाया हुआ, और इस पर लगाया जा रहा है। तो अभी देखो खाना हमारा तैयार है, और खाना में क्या क्या है तो ये देखो है लिट्टी चोखा, एकदम पूरा एकदम बैगन और आलू चोखा ये, और दही, अब दही मेरा नहीं, ये तीन ही दही है क्योंकि एक मम्मी डैडी और मेरी सिस्टर, मैं दही नहीं खाता हूँ। अभी आप इस लिट्टी का टेक्सचर देखो, एकदम पूरा घी से लथपथ एकदम पूरा ये, अभी देखो मस्त लगे, एकदम मस्त लगेगा, और इसका एक और बेटर कॉम्बिनेशन है दही के साथ, दही के साथ खाओगे तो और मस्त लगेगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दही से खाओ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है दही से खाते हुए, लेकिन मैं दही नहीं खाता हूँ इसलिए मैं दही से नहीं खा रहा हूँ, आप दही से ट्राई ज़रूर करना, अभी फिलहाल तो मैं बिना दही के सिर्फ लिट्टी और चोखा।
तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ ब्लॉग में था नहीं, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था। आप देखो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग में यही ब्लॉगिंग होता है। और देखो मैं सोचता हूँ कि ब्लॉग छोटे हो जाएँ, लेकिन ब्लॉग छोटे नहीं हो पाते हैं, कुछ भी करते करते 10-11 मिनट तक पहुँच ही जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ था नहीं ब्लॉग में, लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग ऐसी होती है जो आप लाइफ स्टाइल में करते हो, लेकिन उसमें मैं कंटेंट बना बना करता हूँ, सोचता हूँ कंटेंट जितना अच्छा कंटेंट बन सके उतना अच्छा मैं बनाता हूँ। तो बस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, या फिर मन करे तो डिसलाइक भी कर देना, क्योंकि इतना लास्ट तक देख लिया तो लाइक या डिसलाइक में कुछ तो कर ही देना। और अगर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को शेयर करना अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता है अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय।